नमस्कार प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं प्राइम उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 3 दिन के दौरे पर उत्तराखंड गए हैं। आज सीएम योगी आदित्यनाथ का दूसरे दिन का दौरा है। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मंगलवार को पंचूर गांव में अपने घर भी पहुंचे थे। सीएम ने रात अपने घर पर ही बिताई। जानकारी के मुताबिक सीएम योगी घर के एक कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए यहां पहुंचे हैं। गैंगस्टर आरोपी कन्हैया यादव की बेटी की पुलिस की दबिश के बाद संदिग्ध परिस्थितियों में मौत के मामले में राजनीतिक रंग लेना शुरू कर दिया है। वहीं इस बीच मृतक गुड़िया के पिता अनशन पर बैठ गए हैं। उनका कहना है कि 24 घंटे पहले से ही उन्होंने अन्न जल छोड़ दिया है और जब तक उनकी बेटी के हत्यारों को जेल नहीं भेजा जाएगा वो अनशन पर ही रहेंगे। इस दौरान मामले में राजनीति भी शुरू हो गई है। कांग्रेस पार्टी का एक प्रतिनिधिमंडल भी मंगलवार को पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचा और उच्च स्तरीय जांच की मांग की गई है। उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के संज्ञान में जब यह मामला आया उन्होंने एक बकायदा 6 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल बना करके हम लोगों को यहाँ भेजा है और यहाँ की पूरी वो स्थिति जो है, जो सच्चाई है, हम लोगों ने अलग अलग तरीके से बात किया है पीड़िता के पिता से, उनकी माता से, उनके परिवार से, और एक रिपोर्ट बना करके जो है हम अभी पुलिस का पक्ष भी लेंगे, हम कप्तान से भी मिलेंगे। हमें निर्देश है जो है कि उस दोनों पक्ष की चीज़ें सही तरीके से आनी चाहिए, तभी हम लोग जो है कप्तान से भी मिलेंगे, पीड़िता से भी मिलेंगे और मिल करके जो है अपनी एक रिपोर्ट बना करके नेतृत्व को प्रेषित करेंगे। हमारा कहना है कि जब तक दोषी जिनके ऊपर ये मुकदमा धारा लगी है वो जब तक गिरफ्तार नहीं होंगे तब तक मैं अनुग्रहण नहीं करूँगा। मैं बेटी की बेगम मेरी मृत्यु क्यों न हो जाए, जो दोषी दरोगा पाया गया है पहले उनको गिरफ्तार किया जाए तभी मैं अनुग्रहण करूँगा, नहीं वरना अपना आत्महत्या करूँगा। यही मेरा विचार है और सरकार से भी मेरी उम्मीद है कि जो दोषी दरोगा उनको गिरफ्तार किया जाए, नहीं तो मैं भूखे पूसे कल से बैठा हूँ, अपनी आत्महत्या करूँगा बिना अनुग्रहण के बैठे। अलीगढ़ में क्राइम का ग्राफ लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, जबकि बदमाशों और लुटेरों के हौसले इस हद तक बुलंद हो चुके हैं कि अब वो फायरिंग करते हुए भी नजर आने लगे हैं। ताजा मामला गांधी पार्क थाना इलाके के छर्रा अड्डा ओवरब्रिज के सामने का है, जहां बाइक सवार बदमाशों ने युवक से लूटपाट करने की कोशिश की। वहीं इस दौरान बीच बचाव करने पहुंचे जेल कर्मी प्रेम पाल पर भी बदमाशों ने गोलियां बरसाई, जिसमें एक गोली प्रेम पाल के हाथ में लगी और दूसरी गोली में लगी। वहीं इस घटना की सूचना पर एसपी सिटी के अलावा क्षेत्राधिकारी मोहसिन खान भी मौके पर पहुंचे और बदमाशों की गिरफ्तारी के लिए टीम गठित की गई। बाइक पे दो लड़के आए जी, एक के हाथ में कट्टा लगा हुआ था जी और मेरी चैन दिखी, उन्होंने चैन तोड़ी पहले जी, है ना। तो मैं लोगों से बोला भैया पकड़ो पकड़ो पकड़ो, अच्छा। तो साले गोली मार देंगे, साले गोली मार देंगे, गाली। कितने लोग थे वो? दो लड़के। दो, कोई बाइक नंबर वगैरह देखा आपने? बाइक तो आपके चैन तोड़ के ले गए, कुछ और भी सामान? भैया जो पीछे आ रहे थे बाइक में उन्होंने रोक के बोला रुक रुक रुक, उसके वो कट्टा मार दिया। किसी के साथ लूट हो रही थी छर्रा अड्डे पुल के नीचे, तो ये बचाने के लिए गए थे, तो उन्होंने उन्हें छोड़ के इन पे फायर किए। अच्छा। और ये भैया जी हैं जो इन्होंने बचाया वही हॉस्पिटल तक लेके आए हैं। आज थाना गांधी पार्क क्षेत्र में मोबाइल छीनने का इवेंट प्राप्त हुआ था, जिसमें एक व्यक्ति की पीड़ित व्यक्ति के हाथ में चोट लग गई है तथा वो खतरे से बाहर है। मौके पर CCTV फुटेज खंगाले जा रहे हैं और जल्दी घटना का पर्दाफाश किया जाएगा। परिजन कह रहे हैं कि गोली भी चली है, अब इसकी जाँच की जा रही है। प्रथम दृष्टया तो लगा है गोली लगी है इनको और अभी वो खतरे से बाहर है और इनका इलाज कराया जा रहा है। जल्दी इस संबंध में आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। अलीगढ़ उपकोट शहर कोतवाली के तुर्कमान गेट में रहने वाले अनवार का परिवार ईद का त्योहार मना रहा था, जहां घर की महिलाएं खीर बना रही थी, तभी उस दौरान खीर बनाते समय खौलता दूध का बर्तन दो बच्चों पर गिर गया, जिसमें दोनों ही बच्चे गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिसके बाद दोनों बच्चों की गंभीर हालत को देखते हुए डॉक्टरों ने उन्हें प्राथमिक उपचार के बाद JN मेडिकल कॉलेज के लिए रेफर कर दिया है। हुआ था दूध उड़ा रहे थे चीन के लिए, भवन में दूध था, वो दूध उड़ा के बाल्टी में पलट गया, वो भवन छूट गया हाथ में,
ये दोनों बच्चे बैठे हुए थे बाहर। अच्छा अच्छा, एक 2 साल का और एक 1.5 साल का बच्चा आया है, तो हमें ही गर्म लिक्विड में जल गए हैं और आप बोल रहे हैं। हमने उनको प्राथमिक उपचार देकर सर्जरी करके मेडिकल कॉलेज में रेफर किया है, क्योंकि इतने छोटे बच्चे को अगर बोल रहे हैं बहुत होता है तो आगे और। अलीगढ़ की तहसील इगलास के गांव जहरौली में अचानक भरभरा कर लैंटर गिर गया, जिसकी चपेट में 3 लोग आ गए, जिसमें एक की मौके पर ही मौत हो गई जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं इस मामले की सूचना पर पहुंची पुलिस ने मृतक और घायलों को लैंटर के नीचे से निकलवाया, जबकि युवक का शव मिलने से परिवार में कोहराम मच गया और घायलों को भर्ती कराया गया। गांव जहरौली में एक व्यक्ति की दीवार गिरने से उसके नीचे दबने से मृत्यु हो गई है। इस सूचना पर हम पुलिस स्टाफ के साथ गांव जहरौली में उसके घर पर गए, उसका घर उसके शव का पंचायतनामा भरवा कर और उसकी कार्रवाई की जा रही है। खबर फरीदाबाद से है, जहां सीवर के खुले मेन होल में गिरने से होने वाली मौत का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। कहीं इंसान तो कहीं जानवर हादसे का शिकार हो रहे हैं। ताजा मामला फरीदाबाद सेक्टर 16A का है, जहां खुले मेन होल में एक गाय गिर गई, जिससे कड़ी मशक्कत के बाद सुरक्षित बाहर निकाला गया। जबकि बीते दिनों फरीदाबाद के अलग अलग क्षेत्रों से बच्चों की टैंक में डूबने से मौत की खबर भी सामने आई है। फरीदाबाद की संजय कॉलोनी में अचानक शॉर्ट सर्किट होने से एक ट्रांसफार्मर में आग लगने के कारण स्थानीय लोगों में हड़कंप मच गया, जिस पर स्थानीय लोगों ने दमकल की गाड़ियां को सूचित किया और वो मौके पर आई, उन्होंने आग पर काबू पाया। स्थानीय लोगों के मुताबिक इस घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर तो पहुंची, लेकिन मूक दर्शक बनकर ये मंजर देखती रही। जबकि आग बुझाने वालों के मुताबिक अगर कुछ देर और हो जाती तो कोई बड़ा हादसा हो सकता था। ट्रांसफार्मर में आग लग रही थी, जब हम यहाँ से गुजर रहे थे हमने देखा यहाँ आग लग रही है, कुछ पब्लिक खड़ी थी और कुछ पब्लिक समर्थन में थी, जो कि बिजली विभाग के कर्मचारी भी यहाँ थे। और जबकि तक पब्लिक का समर्थन नहीं मिलेगा जब तक किसी चीज़ पे भी हम काबू नहीं पा सकते। किस चीज़ से आग लगी थी, क्या वजह रही है? वजह अपने आप लगी है भैया जी, ये अब किसका बताया जाए, कोई अभी अनुभव नहीं है किसी चीज़ का। शॉर्ट सर्किट हुआ है इसमें अपने आप ही, ये चीज़ था जी। यहाँ बिजली विभाग के कर्मचारी आए, पर ये दुखित वह घटना है हमारी कि हमारे फायर ब्रिगेड की गाड़ी जब आती है, जब सारा काम हो जाता है, हमने पब्लिक ने पाया है जी, आम पब्लिक ने पाया है, प्रशासन भी आया पर किसने काबू नहीं पा पाया, आम पब्लिक के सपोर्ट से हम लोगों ने काबू पाया है। पुलिस की गाड़ी भी आई यहाँ पे, पर उन्होंने दूर से देखा और चीजों को नई रुकावट देते हुए चली गई। गाजियाबाद के मोदी नगर थाना क्षेत्र में आपसी विवाद को लेकर 2 पक्ष आपस में भिड़ गए। दोनों पक्ष के लोगों ने स्थानीय चौकी पर हंगामा भी किया और जाम लगाने का प्रयास भी किया। वहीं इस पुलिस ने कार्रवाई करते हुए दोनों पक्ष के लोगों को भगा दिया, जिसके बाद दोनों पक्ष थाने पहुंचे और तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की। बता दें कि पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। समुदाय के 2 पक्षों में विवाद हो गया, दोनों पक्षों पर लोग जो है चौकी निवाड़ी रोड पर जो इकट्ठे हो गए थे, जिसमें कुछ जो है बाहरी लोग सम्मिलित हो गए थे। पुलिस द्वारा दोनों पक्षों को थाने पर लाया गया और मामले को शांत किया गया है। पीड़ित पक्ष की तहरीर पर जो है अभियोग पंजीकृत करके आवश्यक विधि कार्रवाई की जा रही है। खबर रायबरेली से है, जहां लालगंज कोतवाली क्षेत्र के कई गांवों में खेतों की रखवाली कर रहे लोगों पर सीआर ने हमला करते हुए कई लोगों को घायल कर दिया। आपको बता दें कि बीते 2 दिनों से कई गांवों में लगातार सीआर का हमला जारी है, जबकि ग्रामीणों द्वारा शिकायत मिलने के बावजूद वन विभाग ने अपनी लापरवाही का परिचय देते हुए मौके पर नहीं पहुंची। अलीगढ़ के जीवीएम मॉल की 4th मंजिल से कूदकर युवती ने आत्महत्या कर ली, जिसके बाद अफरा तफरी का माहौल हो गया। आनंद फानन में घायल अवस्था में युवती को दीनदयाल अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस सीसीटीवी के आधार पर मामले की जांच में जुट गई है और परिजनों को घटना की सूचना दी गई। क्या घटना ये हुई है सर जी, हम हटा रहे थे पब्लिक के लिए, उनको भी हटाया हमने, अब वो एकदम यहाँ से हमने हटाई में हट जाइए आप मैडम यहाँ से, अब नहीं हटी, हम इधर साइड में आए, उन्होंने 3 देर में छलांग लगा दी, बस यही हादसा हुआ है। कौन से फ्लोर से लगाई है? 4th से। मौत हो गई लड़की की? अब ये नहीं, सांस चल रही है अभी, मौत नहीं हुई है। तो
क्या कोई और भी था साथ में उसके? और साथ में हमें नहीं पता कौन था। संभल से प्यार में धोखे का मामला सामने आया है। युवती का आरोप है कि प्यार के जाल में फंसाकर युवक ने उससे शादी का वादा किया और दो साल तक शारीरिक शोषण करता रहा। अब युवक युवती को छोड़कर चला गया है और शादी करने से भी इनकार कर रहा है और मुझे और मेरे परिवार वालों को जान से मारने की धमकी दे रहा है। साथ ही वो अपनी दूसरी शादी भी कर रहा है। बता दें कि पीड़िता ने पुलिस से न्याय की गुहार लगाई है, लेकिन अभी तक मामले में कोई कार्यवाही नहीं की गई और पीड़ित दर दर भटकने को मजबूर है। फरुखाबाद शहर कोतवाली की कादरी गेट लकूला मार्ग पर जिलाधिकारी संजय कुमार ने नव निर्मित रेडिएंटो हॉस्पिटल का उद्घाटन किया, जिसके बाद डीएम ने अस्पताल में बने कक्षों का निरीक्षण करते हुए अस्पताल के डायरेक्टर जितेंद्र सिंह को शुभकामनाएं दी। वहीं इस दौरान अस्पताल के डायरेक्टर ने कहा कि इस अस्पताल को खोलने का उसका उद्देश्य ये है कि कोरोना काल में फरुखाबाद की जनता को बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ा, लेकिन अब इस अस्पताल के खुलने से जनता को स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों से निजात मिलेगी। खोला है हमारी पार्टी के नेता हैं वो, और बड़ा सेवा भाव से खोला है उन्होंने। कोरोना काल में भी बहुतों की मदद की, बहुतों की सेवा की, और उसी काल में उनके मन में विचार आया था कि यहाँ पर जो सेवा भाव से अस्पताल खोला जाए, तो उन्होंने अस्पताल खोला है। तो आज के दिन उन्हें बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ और बहुत बहुत बधाई देता हूँ। अस्पताल के खोलने का उद्देश्य ये कोरोना काल में जो हमने महामारी देखी उसमें लोगों के द्वारा जो लूटपाट हुई थी, उसके उद्देश्य से क्यों अस्पताल खोला गया है, उसी पीरियड में हमारे दिमाग में आया कि कोई ऐसा अस्पताल फरुखाबाद को दिया जाए जिससे लोगों की प्रॉपर सेवा कर सकें और उनके साथ किसी प्रकार की लूट रिसोट स्थिति न। प्राइम उत्तर प्रदेश में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी।